हेलो दोस्तों, आई एम सचिन पाटले एंड यू वॉच एग्री टाइम। फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्री टाइम में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स का सिलेबस जानेंगे CGPAT, ICAR, JET, BHU और MPPAT के लिए। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने सभी एग्रीकल्चर फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। YouTube/AgriTime। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सिलेबस के बारे में बात करने वाले थे फिजिक्स के, ठीक है। तो चलिए जानते हैं, ये सिलेबस जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपके कौन कौन से एग्ज़ाम में उपयोगी है। तो CGPAT, ICAR, MPPAT, BHU, JET, ठीक है। तो इन सभी के लिए जो भौतिक विज्ञान फिजिक्स का सिलेबस है मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर बताऊँगा। तो सबसे पहला जो चैप्टर है, या कह सकते हैं हम पहला जो यूनिट है, वो है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ICAR के लिए आपको थोड़ा सा और BHU के लिए इसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, यानी कि आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा गुरुत्वाकर्षण के बारे में। बाकी अपना CGPAT, MPPAT और जो JET है इसके लिए हमें उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ICAR और BHU के लिए मैं सजेस्ट करूँगा आप NCERT बुक से ही जो सिलेबस है उसे ढूँढिएगा और उसके अकॉर्डिंग अपना पढ़िएगा, ठीक है। सेकेंड यूनिट है सरल आवर्त गति, जिसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, ये भी आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद है सरल मशीन व तंत्र, सिंपल मशीन एंड सिस्टम। फोर्थ में है थर्मामीटर व कैलोरीमीटर, थर्मामीटर एंड कैलोरीमीटर। फाइव यूनिट है घर्षण, फ्रिक्शन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले की ओर। तो अगला देखिए क्या है, ऊष्मा संचरण है, जिसे हम हीट ट्रांसमिशन कहते हैं। तो ये छठवां यूनिट हो जाएगा आपका फिजिक्स के सिलेबस में। सातवां जो यूनिट है वो है प्रकाश, लाइट, ठीक है। आठवां यूनिट की बात करें तो प्रकाशिक यंत्र है, जिसे हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। नौवां यूनिट में है तैरने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग, ठीक है। दसवां में दोस्तों वायुमंडलीय दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ग्यारहवें यूनिट की बात करें तो जो ग्यारहवां यूनिट है दोस्तों वो है आपका पंप, और पंप में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपको तीन या दो पेज ही इसमें से पूछता है, ठीक है। तो ज़्यादा ध्यान देके इसे ना पढ़िएगा। बारहवां में है चुंबकत्व, जिसे मैग्नेटिज्म कहते हैं, ठीक है। तेरहवें नंबर की बात करें, यानी कि तेरह नंबर का जो यूनिट है अपना, वो है दोस्तों बिजली की क्षमता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, ठीक है। चौदह यूनिट में है, चौदह नंबर के, वो है विद्युत प्रवाह, जिसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। पंद्रहवा नंबर की बात करें दोस्तों, तो विद्युत का थर्मल पावर है, जिसे थर्मल इफेक्ट ऑन करंट कहते हैं। तो दोस्तों, ये था फिजिक्स का सिलेबस ICAR, CGPAT, MPPAT, BHU और JET के लिए। दोस्तों, ये जो PDF है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप यहीं से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और दोस्तों, ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमें नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है तो उसमें आप व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको हमारा जो ग्रुप है उसमें ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है।